हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम के बाद गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग के मूवी यूनिवर्स की एक नई मूवी का अपडेट आया है, जहां पे इसकी एक नई मूवी रिलीज़ होने वाली है 2024 में, जिस मूवी का नाम रखा गया है गॉडज़िला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। और इससे पहले दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सन ऑफ कॉन्ग नाम की एक मूवी रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब उससे पहले ये मूवी रिलीज़ होगी जो कि गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग का सेकेंड पार्ट होने वाला है। और इस मूवी में हमें गॉडज़िला के साथ साथ कॉन्ग भी दिखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसी मूवी की कुछ डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने इस मूवी का वो छोटा सा टीज़र तो देख ही लिया होगा। उस टीज़र की शुरुआत में हम एक गद्दी पे एक नए मॉन्स्टर को बैठा हुआ देख सकते हैं और उसके अगल बगल बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी होती है। हो सकता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो कॉन्ग का वंशज हो, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि सन ऑफ कॉन्ग नाम की एक मूवी रिलीज़ होने वाली है, जिस मूवी में हमें कॉन्ग की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने मॉन्स्टरवर्स की कॉमिक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूँ कि कॉन्ग की अपनी पूरी एक फैमिली थी जो कि हॉलोअर्थ में रहती थी, लेकिन स्कल क्रॉलर के अटैक करने की वजह से उसकी पूरी की पूरी फैमिली मारी गई और अकेला कॉन्ग ही बचा था। इसलिए सन ऑफ कॉन्ग मूवी में उसकी पूरी फैमिली की बैक स्टोरी दिखाई जाने वाली थी। बट दोस्तों, अब क्योंकि सन ऑफ कॉन्ग मूवी के बदले ये मूवी रिलीज होने वाली है, तो हो सकता है कि ये जो हड्डियाँ हम देख रहे हैं ये कॉन्ग की खुद की फैमिली की ही हो। और उसके बाद हम दो और स्कल देखते हैं, जिसमें से एक कॉन्ग का होता है और एक गॉडज़िला का होता है। यानी कि एक नई मुसीबत आने वाली है जो कि गॉडज़िला और कॉन्ग दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। तो उन दोनों को साथ में मिलकर उस नई मुसीबत से लड़ना होगा, वरना वो दोनों मारे जाएंगे। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दोस्तों कि इस मूवी में हमें कॉन्ग की पूरी बैक स्टोरी दिखाई जाए अच्छी तरीके से, और साथ में गॉडज़िला की भी, और तभी एक नया मॉन्स्टर आता है और जिससे ये दोनों लड़ते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये, और तीसरी ये दोस्तों कि उस गद्दी पे हमने जिसको बैठा हुआ देखा था वो असल में कॉन्ग का वंशज ना होकर एक नए टाइप का मॉन्स्टर हो, क्या पता, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। इतना ज़्यादा पावरफुल कि उसने पहले ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराया है, जिसकी हड्डियाँ हम इधर उधर देख सकते हैं, और अब वो कॉन्ग और गॉडज़िला को भी मारने के लिए आ रहा है ताकि वो किंग की पदवी हासिल कर सके। और अभी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मॉन्स्टर्स का जो किंग है वो है गॉडज़िला। तो अगर किंग की पदवी चाहिए तो दूसरे मॉन्स्टर को गॉडज़िला को हराना होगा, और यहाँ पे हो सकता है कि फिर से कॉन्ग आए गॉडज़िला की मदद करने के लिए। तो दोस्तों, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है इस मूवी के लिए। लेकिन दोस्तों, इस मूवी का जो टीज़र है वो वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल का है, जहाँ पे हम कॉन्ग के नीली कलर की आंखें भी देख सकते हैं। जिसका क्या रीज़न है उसकी नीली कलर की आंखें होने के पीछे, ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। और ये मूवी आने वाली है 2024 में, और इस मूवी का जो टाइटल है द न्यू एम्पायर, यानी कि ये दोनों मिलकर एक नए एम्पायर को खड़ा करेंगे, क्योंकि अब वापस से मॉन्स्टर्स का इस धरती पर राज होने वाला है। और मॉन्स्टर्स और इंसानों को दोनों को साथ में मिलकर रहना है, तो इनका भी एक नया एम्पायर होना चाहिए, जहाँ पे इनका जो एम्पायर है वो मेनली हॉलो अर्थ में हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक नया एम्पायर बनाया जाएगा जिसका किंग होगा ऑब्वियसली गॉडज़िला। तो दोस्तों, इस मूवी के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जहाँ पे मैं काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहा था कि कोई नई अपडेट आ जाए, और फाइनली एक नई अपडेट आ चुकी है। और इस मूवी का टाइटल टीज़र भी वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो आप इस मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।